नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SM फॉर यू इंडियन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे IPO न्यूज टिप्स और मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट किया है, जो कि आपको हेल्प काम करेगा कंपनी चूज करने में, सजेस्टेड वीडियो के नाम से या शॉर्ट वीडियो जो भी, जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, तत्व चिंतन और जोमेटो का। दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा ओवरव्यू भी दूंगा ताकि जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको कहीं जाना ना पड़े। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप कुछ ही मिनट में, इसके बाद शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तत्व चिंतन देख लेते हैं। इसमें 16 तारीख को IPO स्टार्ट हुआ था, 20 को क्लोज हो गया था। अलॉटमेंट डेट इसका 26 को आएगा और रिफंड इसका 27 को आएगा। जो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा वो 28 को और 29 को लिस्टिंग कर दिया जाएगा। जोमेटो का देख लेते हैं। जोमेटो का 14 को स्टार्ट हुआ था, 16 को क्लोजिंग हुआ था, 22 तारीख को इसका अलॉटमेंट होगा, 23 तारीख को इसका रिफंड आएगा, 26 तारीख को इसका डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा और 27 को ये लिस्टिंग हो जाएगा। अगर बात कर लें इसका कट ऑफ वैल्यू का, तो कट ऑफ वैल्यू जो इसका रखा गया है वो 72 से 76, मतलब 76 कट ऑफ। अगर तत्व चिंतन का बात करें तो तत्व चिंतन में लगभग 10.80 इसका कट ऑफ वैल्यू 10.80। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का। जोमेटो तत्व चिंतन, जोमेटो का 19 गया है, तत्व चिंतन का 775। अगर यही आपको परसेंटेज वाइज बात करें तो जोमेटो का 22%, तत्व चिंतन का अगर आप इसके कट ऑफ वैल्यू से लेंगे तो लगभग 71%। उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी आप संतुष्ट होंगे इस छोटी सी वीडियो में। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद। जाने से पहले कहूँगा कि उस शॉर्ट वीडियो को आप जरूर फॉलो करिएगा, आपको कंपनी सजेस्ट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंपनी लें, किस में प्रॉफिट हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप जाके कंपनी ले सकते हैं। धन्यवाद।